तो वेलकम है दोस्तों। देखिए इंडियन नेवी ने 372 पदों पे वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, 372 पदों पे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस वैकेंसी में डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट कितनी दी गई है, ठीक है। साथ ही जानेंगे कि सैलरी क्या मिलेगा और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए यह फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, इन्होंने बोल दिया है, इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, ठीक है। ये इंडियन नेवी की ओर से निकाला गया है और उन्हीं का नोटिफिकेशन है, हम लोग डिटेल में जानेंगे। बोला गया है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। केवल और केवल आपको यह फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होगा, ऑफलाइन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ग्रुप ग्रुप वाइज बांटा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, अगला है आपका वेपन ग्रुप, ठीक है, हथियार वाले। फिर देख लेते हैं तो आपका है इंजीनियरिंग ग्रुप, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप, अगला है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जितने भी ग्रुप हैं सब ग्रुप में वैकेंसी को बांटा गया है। टोटल वैकेंसी 372 है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है जहाँ जहाँ समंदर है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे हम देख लेंगे एज लिमिट, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज क्या चाहिए। तो देखिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम से कम आप 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल के होने चाहिए, यानी कि 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर पाएंगे जनरल कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी हैं तो और 3 साल तक यानी कि 28 साल तक, एसटीएससी हैं तो और 5 साल यानी कि 30 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं तो हमारा आता है एडुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो देखिए आप बीएससी, अगर आप बीएससी किए हैं, ठीक है, मैथ से या फिर केमिस्ट्री से या फिर आप फिजिक्स से, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, अगर आप इन तीनों में से किसी में भी बीएससी किए हैं तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं अगर आपने वो किया है, ठीक है, 3 ईयर का, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे ट्रेड हैं, कोई ना कोई ट्रेड आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए सिविल का है, फिटर का है, प्लम्बर का है, पेंटर का है, मशीनिस्ट का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो जितने भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड वाले डिप्लोमा के और बीएससी के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आर्ट्स और कॉमर्स वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं तो उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ जॉब ड्यूटी, यानी कि क्या रहने वाला वो चीज़ बताया गया है, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे फॉर्म को भरने का डेट, तो इस फॉर्म को भरने का डेट है 15 मई स्टार्टिंग है और लास्ट डेट जो है आप इस फॉर्म को 29 तारीख तक भर पाएंगे, 29 मई तक, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा 29 तारीख तक और आपको पेमेंट करने होंगे ₹278 जनरल ओबीसी के लिए, ₹278, ठीक है, और एसटीएससी हैं तो कोई भी फी पेमेंट यहाँ पे आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट आपका सेटिस्फाई सेल्फ बिफोर, तो जो भी चीज़ें मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है तो एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, साथ में आपको सैलरी जो दी जाएगी वो 6 पे स्केल के अकॉर्डिंग दी जाएगी, यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे 35,000 स्टार्टिंग रह जाएगी, ठीक है। एग्जाम सिटी, आपका एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे होगा तो देख सकते हैं आप अपने स्टेट के, लगभग हर स्टेट में बनाया गया है, ठीक है, एग्जाम सिटी। और हमारे झारखंड में बनाया गया है, कहाँ पे, तो आपका झारखंड में रांची को ही जनरली बनाया जाता है एग्जाम सिटी, स्टेट एंड एग्जाम सिटी, यार स्टेट झारखंड को नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है। अंडमान निकोबार, पोर्ट वेलेयर है, आंध्र प्रदेश है, विशाखापट्टनम बिहार है, पटना है, असम है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, गुजरात है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल, इन्हीं स्टेट में केवल एग्जाम सिटी बनाया गया है। तो अगर आप भरेंगे झारखंड से तो आपको इन्हीं में से किसी एक सेंटर को चुनना होगा, और अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हैं तो आप कहीं भी अपने जो नज़दीकी स्टेट है उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है कि किस कारण से आपका जो फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो डेट एग्जामिनेशन है कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड वेबसाइट, जल्दी आपका डेट बता दिया जाएगा, अभी नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका बोला गया है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह रिटर्न एग्जाम होगा आपका। इन इंडियन नेवी विल स्क्रीन ऑल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड
टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस से रहेगा। सिलेबस स्पेसिफिक टू पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है सिलेबस। उसके बाद आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ द टाइप केसेस दिखे गए हैं। फिर यहाँ पे हम सैलरी को खोज रहे हैं, यार सैलरी कहाँ पे है, क्योंकि वही आदमी उसी लिए तो फॉर्म को भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, एज रिलैक्सेशन, छूट वगैरह। एंड आपको जो है मैं बता दे रहा हूँ, सैलरी आपको 35,000 स्टार्टिंग होगा और 1,12,000 जो है आपकी लास्ट सैलरी रहेगी, ठीक है। तो इतनी आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो बता दीजिएगा उन तक भी, ताकि वे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ और आप इस फॉर्म को मोबाइल से भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 90 मिनट दिया जाएगा एग्जाम के लिए, सारा कुछ डिटेल में बताया गया। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक बार खुद से पढ़ लें। मैं तो केवल जल्दी जल्दी में बता देता हूँ यार, ठीक है। बाकी आपको खुद से एक बार पढ़ना होगा, 29 तारीख लास्ट डेट है और सैलरी मैंने बता ही दिया, 35,000 स्टार्टिंग होगा और 1,12,000 इसमें लास्ट होगा। 278 रुपये फॉर्म को फी करने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो, एसटीएससी हैं तो अप्लाई करने में कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर पॉइंट में आपकी जो है सैलरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि रिक्वायर्ड कैंडिडेट विल गेट पे अकॉर्डिंग टू द लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स, ठीक है, 7 CPC। तो इसके अकॉर्डिंग, लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है आपको 35,000 रुपये स्टार्टिंग मिल जाएंगे, यानी कि यार एचआरए वगैरह मिला के 40,000 प्लस ही बन जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, सैलरी आपको पूरा मिलेगा टनटना के, ठीक है। तो आप एग्जाम की तैयारी करने में लग जाइए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बाकी मैं अप्लाई करने के लिए लिंक भी दे दूंगा जल्दी, ठीक है, 1-2 घंटे के बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा उसका भी। और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई दोस्त डिप्लोमा किया हो या फिर BSc किया हो तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।